असल चीज है वरना संभव। और वो वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है? भगवत भजन, विष्णु आराधते। वर्णाश्रम चारवता पुरुषी न पर पुमान विष्णु आराधते न अन्न तत्रोष कारण। होल सिविलाइजेशन सभ्यता वैदिक सभ्यता है तो उद्देश्य है विष्णु आराधन, विष्णु आराधते। बाकी मुश्किल है कि नते विदु सार्थ गति विष्णु, ये सब जानते नहीं जिसको सार्थ गति किधर होनी। मामेव शरणं गत्वा, ये सार्थक भगवान जैसे बोल सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, ये सार्थक गति। तो इस शास्त्र में सब जगह में यही समझाया गया है कि रीच द गोल ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या। कि वर्णाश्रम धर्म जो है इसका भी उद्देश्य वही है, विष्णु आराध्यते फंक्शन नान तत्व कारण। विष्णु आराधन के लिए सामाजिक विभाग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और पारमार्थिक विभाग ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये इसका नाम है वर्णाश्रम का। तो वर्णाश्रम धर्म में तो टूट गया है साहब, है नाम से है काम से नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु विष्णु आराधन के लिए है तो उद्देश्य विष्णु आराधन। अब वो वर्णाश्रम जो सिस्टम वो तो टूट गया है, वो फिर रिएस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल है। इसलिए शास्त्र सिद्धांत से चैतन्य महाप्रभु की कीर्तन संकीर्तन परिवर्तन किया है, ये शास्त्र सिद्धांत है। कलो दोष निधि राजन ही अस्ति एको महान गुण। कलयुग में भागवत द्वादश स्कंध में कलयुग का विवरण है सब। 5000 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत लिखा गया था, उसमें भविष्य में क्या क्या होगा कलयुग में सब बताया गया। तो उस प्रसंग में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि महाराज ये कलयुग है, ये दोष की निधि समुद्र, कहां तक इसको दोष और निर्दोष आप विश्लेषण करेंगे। समझ लीजिए दोष का समुद्र है, केवल दोष ही दोष। तो इसमें एक महान गुण है, वो कलयुग के लिए विशेष करके, क्योंकि कलयुग में विशेष करके सब पतित है। पतित का कारण, पतित बोलने का कारण यही है कि जो जीवन का जो उद्देश्य है वो भूल गया है, वो केवल इंद्रिय तर्पण करने के लिए दिन भर परिश्रम कर रहे हैं, बाकी जीवन का उद्देश्य क्या है वो नहीं जानते। ये कलयुग का विशेष लक्षण, सबसे सब युग में यही बात है कि भगवान को भूल जाते हैं और ये शरीर पालन करने के लिए दिन भर परिश्रम करते हैं। तो आज नहीं, अनेक हजार वर्ष पहले यही लक्षण ऋषभ ने अपने पुत्र को समझाया, बेटा ये जो शरीर है अयंग शरीर, ये जो शरीर है नीलोक मनुष्य समाज, शरीर सभी को मिलता है, कुत्ता को भी मिलता है, गधा को भी मिलता है, बाकी ये जो मनुष्य को शरीर मिला है नायन देह, ये जो शरीर है
नायन देव देव भाजन निलोक मनुष्य समाज में जिसको शरीर मिला है कष्टान कामान न अरहते कामान अरहते वीर भुजान रे ये शरीर को दिन भर खाली परिश्रम में लगा देना और जीवन का उद्देश्य जो है विष्णु आराधन उसको भूल जाना ये उचित नहीं। ये बहुत दिन पहले समझा ना अर्थ, क्योंकि ये जो शरीर का साधन आहार निद्रा भय मैथुन कुछ खाने को चाहिए कुछ सोने का जगह चाहिए आहार निद्रा और भय से कुछ व्यवस्था करनी चाहिए आहार निद्रा भय मैथुन आज स्त्री पुरुष का संभव। तो ऋषभ जो कहते हैं ये सुअर भी करता है इसमें कोई बहादुरी नहीं है वीरभुजा विशेष करके बताया वीरभुजा वीरभुजा वीर का अर्थ होता है मैला और मैला खाने वाला जो है सुअर वो भी दिन भर परिश्रम करते हैं इसीलिए कहाँ खाने का चीज है कहाँ सोने का चीज है और कहाँ स्त्री संभव करने का व्यवस्था है और कहाँ भयभीत से बचना है इसके लिए नहीं ये तो जानवर भी करता है सुअर तक बता दिया बिरूदा तो किस लिए है तपो दिव्यम ये जो मनुष्य शरीर है तपस्या करने की दिस इज वैदिक सिविलाइजेशन तपो दिव्यम पुत्र का जीना सत्तम शुद्धे ये जो हमारा सत्ता है आई एम सब कुछ जानते हैं आई एग्जिस्ट ये सत्ता शुद्ध करने की क्या अशुद्ध है क्या जरूर अशुद्ध है इसलिए अशुद्ध है कि तुमको मरने पड़ता है। भगवत गीता में भगवान साक्षात बताते हैं न हन्नते हन्नवाने शरीरे जीवात्मा जो है वो शरीर ध्वंस हो जाने से वो मरता नहीं न हन्नते अंतवत् तुमि देहा नित्य शोका शरीर न ये जो अंतवत् जो है जो नष्ट होने वाला है वो है शरीर और शरीर का अंदर में जो कि आत्मा है वो नष्ट होने वाला नहीं तो शुद्धि तो सत्या ये जो सत्ता शुद्धि शुद्ध सत्व स्पिरिचुअल शुद्ध तत्व का अर्थ होता है स्पिरिचुअल ये जो सत्ता है ये शुद्ध नहीं है अशुद्ध है क्योंकि त्रिगुण प्रकृति क्रियमाणानी गुण ही कर्माणी सर्वस्व ये शरीर यात्रा निर्वाह होता है प्रकृति गुण ही सतरज तम गुण इसका ऊपर चलता है जिसको सतगुण है उसको अच्छा शरीर मिलता है ब्राह्मण का शरीर मिलता है देवता का शरीर मिलता है रजगुण है क्षत्रिय का शरीर मिलता है इसी प्रकार सब सदगुण कारण गुण संघ सदसद जन्म जोनी की ये जो ऊंचा नीच शरीर सब मिलता है उसका क्या कारण है कारण गुण संघर्ष ये जो प्रकृति का गुण है सतगुण रजगुण तमगुण जिसका साथ मैं संग करूंगा उसी प्रकार शरीर हमको मिलेगा कर्मणा दैव नेत्रेना जंतर देह उपपत्ति तो विभिन्न प्रकार जो शरीर हम लोग को मिलता है इसका क्या कारण कारण गुण संघर्ष ये जो प्रकृति का गुण हम लोग संग करते हैं जैसा एक रोग होता है इन्फेक्शन आप जान करके और अजान करके कोई रोग का बीजाणु को अगर संसर्ग करेंगे तो वो रोग से आपको भोगने पड़ेगा इसी प्रकार कारण गुण संघर्ष जैसे जैसे गुण से हम संग करेंगे उसी प्रकार हमको शरीर मिलेगा तो शरीर चाहे ब्राह्मण का शरीर मिले
और चाहे देवता का शरीर मिले और जो कुत्ता का शरीर मिले और नीच शरीर मिले, अंत वक्तुई में देहा, ये सब अंत होने वाला है। और भगवद गीता में स्वयं भगवान पहले ही बता रहे हैं, तथा देहांतर प्राप्ति देही नस्मिन यथा देही कौमान यौवन जरा, तथा देहांतर प्राप्ति, देहांतर होगा। अब किस प्रकार देहांतर होगा, आगे जाकर के हमको क्या शरीर मिलेगा, ये सब हम लोग नहीं जानते। यद्यपि शास्त्र में है सब कुछ बताया गया है, जो जैसा तुम शरीर चाहते हो ऐसा मिल जाएगा, इस प्रकार साधन करो। जानति देव व्रता देवान पितरी जानति पितरी व्रता भूते जा जानति भूतानी मज्जा जिनो भी जानति माम। यदि उच्च लोग में जाने चाहते हो, स्वर्ग लोग, जन लोग, महलोक, कपलोक, अनेक सब उच्च लोक है, उधर भी जा सकते हो। जानति देव व्रता देवान पितरी लोग जा सकते हो, पितरी जानति पितरी व्रता भूते जा जानति भूतानी, और यदि इधर ही रहने चाहते हो वो भी हो सकेगा। और मज्जाजिनो पी जानती मां, और अगर भगवान का पास जाने चाहते हो तो भगवत भजन कर लो। सब चीज खुला हुआ है, जैसा हम लोग चाहते हैं, जथे छसी तथा कुरु। भगवान अर्जुन को बताया कि तुमको हम सब बता दिया, अब तुम इसको सोच करके विवेचन करके जैसा चाहते हो ऐसा करो। तो सब हमारा ही हाथ में है, हम देव लोग में जा सकता हूँ, पृथ्वी लोग में जा सकता हूँ, इधर भी रह सकता हूँ, और यदि चाहे हम तो भगवान का पास जा सकता हूँ। ये सब चीज शास्त्र ने बताया है किस तरह जा सकते हैं। तो वही चीज ऋषभ देव बता रहे हैं कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये जंक्शन है, तुम जैसे चाहते हो आगे जाकर के मिलेगा, क्योंकि देहांत तुम्हारा तो हो गई। तथा देहांतर प्राप्ति धीर सतनमयती, जो बुद्धिमान है, धीर है, वो बहुत जल्दी समझ जाता है जहां देहांतर होता है। जो महामूर्ख होता है वो देहांतर क्या समझता ही नहीं। आजकल ये एजुकेशन है, महामूर्ख बड़े बड़े सब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, महामहामूर्ख सब देहांतर समझता है। वो लोग कहते हैं स्वामी जी ये शरीर जब मिट जाता है सब मिट गया। बड़े बड़े लीडर लोग, बड़े बड़े सब प्रोफेसर, एजुकेशनिस्ट, वो देहांतर क्या है नहीं समझते। और भगवान स्वयं बता रहे हैं और उदाहरण भी दे रहे हैं कि कौमार यौवन में जरा जैसा एक बालक है उसको जवान होने ही पड़ेगा देहांतर, वो बालक शरीर नहीं रहेगा, उसको युवक का शरीर मिलेगा। अगर बालक अगर कहते हैं नहीं हम युवक नहीं होंगे, तो वो कहने से क्या हुआ, प्रकृति का नियम है होने पड़ेगा। और अगर युवक कोई कहते हैं हम बुढ़ा नहीं होंगे, तो बोलने से क्या होगा, होने ही पड़ेगा। तथा देहांतर प्राप्ति, तुम बोलने से क्या होगा, हम देहांतर नहीं होंगे, वैसे ही देह में सब शेष कर दें, बोलने से नहीं होगा। प्रकृति क्रमाणानी गुणी कर्माणी सर्वज अहंकार विमूर आत्मा करता हम इति मन, जबरदस्ती बोलने से क्या छूट जाएगा, नहीं ये संभव नहीं। तो ये सब आजकल एजुकेशन दिया जाता है कि देहांतर नहीं है, परजन्म नहीं है, पूर्व जन्म नहीं है, और स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, और अनेक प्रकार शास्त्र में जो सब बताया गया है उसको मानते ही नहीं, तो क्या किया जाए। इतना मूर्ख हो गया ऐसा। और भगवान खुद बता रहे हैं जशास्त्र विधि मुसिज वर्तते कामकार न सिद्धि स्वभाव नहीं, जो शास्त्र सिद्धांत है उसको जो मानते नहीं, अपना मनमाफी काम करते हैं, उसको जीवन तो असफल होगा ही, न सिद्धि स्वभाव नहीं, और न सुखम सुख भी नहीं मिलेगा, और परागति का तो बात ही छोड़ दीजिए। ये सब चल रहा है, इसलिए
हम लोग थोड़ा प्रयत्न कर रहे हैं कि ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट में या हमारा शास्त्र में जिस प्रकार लिखा है उसको ग्रहण किया जाए, जीवन को सुधारा जाए और आगे जाके हमारा उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य क्या है उसको सफल किया जाए। तो ये सब शब्द है, आज नहीं बहुत दिन पहले यही चीज यही बताया जाता है कि देहांतर प्राप्ति और ये क्वेश्चन जो देहांतर क्यों है, देहांतर इसीलिए होता है कि सत्ता शुद्धि नहीं। जैसा कोई आदमी बीमार हो जाए तो उसको दुख भोगने पड़े, तो इस अर्थ में बताते हैं जहां आपने भौतिक शरीर ग्रहण किया आपको दुख भोगने पड़ेगा। दुख अनेक प्रकार होता है, कुछ ना कुछ आपको दुख भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि असन्नपि क्लेश देहास देह, यद्यपि ये शरीर सब दिन के लिए नहीं है, जब तक ये शरीर रहेगा क्लेश देगा, दुख देगा। हम लोग सबको यही प्रयत्न करते हैं तो दुख निवृत्ति, किस तरह से दुख निवृत्ति है, तो दुख निवृत्ति क्या चीज है वो जानते ही नहीं हम लोग। इसलिए भगवान साक्षात बताते हैं जो तुम्हारा जो असल दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तुम तात्कालिक सामयिक जो दुख निवृत्ति करते हो वो तो शरीर जो सुख मिला है वो शरीर का साथ साथ वो सब मिट जाए, फिर तुमको और एक शरीर लेने पड़ेगा अपना कर्म का अनुसार और उसका दुख भोगने पड़ेगा। तो यदि दुख से अत्यंत ही दुख निवृत्ति यदि चाहते हो तो ये सत्ता का शुद्ध करो, उसके लिए तपस्या तपो दिव्यंग पुत्र का जीन शुद्ध है, तो सत्या सत्ता शुद्धि कर। और वो सत्ता शुद्धि करने का मौका किस समय मिलता है, अयन देह निदेह निलोके, नायन देह देहो भाजांग निलोके कष्टान कामान भी। इस शरीर को जो इतना मूल्यवान शरीर है जिसमें कि तुम सब दुख को नष्ट कर सकते हो यही शरीर में, वो शरीर को ये सुअर कुत्ता का ऐसे लगा करके केवल भोजन और स्त्री संभाग और आहार निद्रा भय मृत्यु में और उसके लिए दिन भर तकलीफ करना ये उचित नहीं। ये ऋषभ देव का उपदेश, नायंग दीह दीह भाजांग निलोके, चाहिए कुछ शरीर जब मिला है हमको कुछ खाने को चाहिए, ये तो जरूरी बात है, और सोने का भी जगह चाहिए और इंद्रिय है उसको भी थोड़ा भोग चाहिए, और वैसे भी किस तरह से निवृत्ति हो ये जरूरी है, बाकी इसी के लिए केवल जीवन है ये महामूर्खता है। जीवन का और कुछ उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है, तपस्या दिव्यम, दिव्य चीज लाभ करने के लिए तपस्या। इसलिए समाज का विभाजन है, जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो ब्राह्मण लोग है वो अपना जीवन में तपस्या किस तरह से करने होता है दिखाता है, समो दमो तितिक्षा आर्यव ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव, ब्राह्मण आइडियल लाइफ वो दिखाते हैं, दिखाकर सिखाते हैं। इसलिए ब्राह्मण शिक्षक है, गुरु है, शास्त्र में बताया गया है, और क्षत्रिय ब्राह्मण से उपदेश लेकर के प्रजा जिस तरह से जीवन यापन करने से उसको उपकार होगा ये क्षत्रिय का काम है, और वैश्य का काम है खाने का चीज सबको मिले उसको बंदोबस्त करें, कृषि गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, खाने का चीज मिल जाएगा, कृषि कृषि कार्य करने से अन्न पैदा करने से, भगवान खुद भी बताते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि, खूब अन्न पैदा करो, खूब नहीं जितना जरूरत है, अन्नाद भवन्ति भूतानि जन्नात अन्न संभव, और अन्न तभी संभव होगा जब ठीक ठीक बरसात होगा, पर्जन्नात अन्न संभव
यज्ञाद्भवन्ति पूज्यन्य। और यदि यज्ञ करेंगे आप तो यथा समय आपको वृष्टि मिलेगी और जिसमें जमीन में आप अच्छी तरह से बड़ा सहज से अन्न पैदा कर सकेंगे। यज्ञाद्भवन्ति पूज्यन्य पूज्यन्यात् अन्न संभव, ये सब शास्त्र विधि है। सरल भाव से आपको खाने की चीज मिला और आनंद से रहा और बाकी समय जहां हमको मिला तपो दिव्यम तप सागर, ये सिविलाइजेशन है, ये सभ्यता। और ये सभ्यता नहीं है कि केवल सुअर का ऐसे दिन भर कहां गुहा है देखो जी देखो जी देखो, दिस इज नॉट सिविलाइजेशन। नायंग देहो देहो हाजांग निलोक कष्टान, और उसके लिए दिन भर परिश्रम करना है। लाओ जी रुपया लाओ रुपया लाओ रुपया, इदम अद्दामाया लब्धम इदम प्राप्ति पुनर्धनम, ये जो आसुरिक सिविलाइजेशन है, अब तो इतना रुपया मिल गया है अब इतना और चाहिए, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए। इसी तरह से सारा जीवन स्वार्थ ऐसे परिश्रम करके केवल खाने सोने और संभोग करने के लिए, ये जो सभ्यता है ये उचित नहीं है। कम से कम मनुष्य जीवन में ये उचित नहीं है, तपस्या करनी चाहिए। तपो दिग्बम, और कलि युग में वो तपस्या बड़ा सरल, ये आप जो बता रहे हैं कि कलि युग में तो दोष ही है, परंतु एक सुविधा है, वो क्या है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त सांग परम भजे, केवल भगवान कृष्ण का नाम कीर्तन करने से वो मुक्त संग हो जाता है। ये जो दोष है कलो दोष निधि, ये दोष से छुट्टी मिल जाती, निर्दोष हो जाता, ये चैतन्य महाप्रभु बता है। चेत दर्पण मार्जनम, दोष सब कहाँ है, ये सब हृदय में ही है, सब जितना दोष हमारा है डार्टी थिंग्स वो सब हमारा हृदय में। ये जो हरिकीर्तन है ये चैतन्य महाप्रभु समझा है, जो हरिकीर्तन करने से पहली जो बात है चेत दर्पण मार्जनम, ये जो चित्त है चित्त शुद्धि हो जाए। ये जो हम समझते हैं कि मैं ये हिंदू है कि मुसलमान है, मैं इंडियन है मैं अमेरिकन है, ये सब क्या चीज है, ये सब उपाधि है। असल जो है हम अहं ब्रह्मास्मि, ये असल परिचय है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोच थी न कांत थी, सब शास्त्र में बताया गया है बड़ा सरल भाव से। तो इसके लिए परिश्रम करना चाहिए और उसके लिए थोड़ी सी तपस्या करनी चाहिए। अब देखिए इसका प्रमाण स्वरूप, ये जो यूरोप अमेरिका में सब ग्रहण कर रहे हैं उसके लिए कुछ तपस्या कर रहे हैं। क्या तपस्या, चार चीज, नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, चार। जैसा हम ये चौकी में बैठे हुए हैं इसको चार पहिया है, इसी प्रकार पापमय जीवन जो है उसको चार पहिया यही है, कि इलिसिट सेक्स और मांसाहारी भक्षण और जुआ खेलना और नशा भांग करना, बस। ये कलि युग में यही चीज फैला हुआ है सारा दुनिया में, तो उसको छोड़ना थोड़ा मुश्किल है। बाकी तपस्या छोड़ने में हमारा तकलीफ होगा, बाकी तप का अर्थ होता है जो वॉलंटरीली थोड़ा तकलीफ सहन कर ले, उसका नाम है तपस्या। तपस्या ये नहीं है मैं ज्यो तो के रह गया और टेबल चेयर में बैठ करके सीधे फूकते फूकते तपस्या हो जाएगी, नहीं। तपस्या के लिए थोड़ा तकलीफ उठाना, तो ये जो बालक लोग हैं ये जो तपस्या कर रहे हैं कि चार चीज छोड़ देना, क्योंकि मर गया है ये बचपन से, वो बहुत जब शिशु रहता है उनका माता पिता उसको सिखाता है पाउडर, वो मीट पाउडर उसको पानी में घोल करके उसको जबरदस्ती चमचा से खिलाएगा सिखाएगा, ये देश है। गोपचरी का दोष में यह शुरू से सिखाया गया मांसादि भक्षण
पिता माता शराब पीता है और बच्चा बैठे हैं उसको सोडा वाटर लेमनेड देता है, वो भी सीखे अभी शराब नहीं पी सकेगा, थोड़ा सोडा वाटर पिए बस जो सीखता है। सॉफ्ट ड्रिंकिंग इसको बोला जाता है, सॉफ्ट ड्रिंकिंग। तो उसको बेचारी को सिखाया जाता, वो जब भूल गया तपस्या करने के लिए, हमारा भारत दिया कितने मुश्किल है, ताकि नहीं तपस्या नहीं करेंगे। बाकी तपस्या करनी चाहिए, बिना तपस्या काम सफल नहीं। पहले तो बड़े बड़े ऋषि लोग, मुनि लोग, राजा लोग सब घर छोड़ करके जंगल में जा करके हजारों बार तपस्या करते थे, वो तो कलयुग में संभव ही है। तो थोड़ी सी तपस्या है कि ये चार चीज छोड़ दो और भगवान का नाम कीर्तन करो, ये क्या मुश्किल है क्या? ये जरूर करनी चाहिए। यही हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट सारा दुनिया में प्रचार कर रहे हैं, और वही चीज भारतवर्ष का तो ही है, आप लोग भी ग्रहण कीजिए। ये आसुरिक जीवन यापन करने से कोई लाभ नहीं है। इदम अगमया लब्धम इदम प्राप्ति पुनर्धनम, आज इतना रुपया है फिर कल इतना रुपया हो जाएगा, फिर कल और परसों और कुछ हो जाएगा और कुछ हो जाएगा, ये सब होते होते एक दिन जमरा आ जाएगा, लात मार के सब छीन छान लेकर के जाओ कुत्ता बनो, ये होता है। तथा देहांतर प्राप्ति, जैसा कर्म करेंगे ऐसा शरीर मिलेगा, वो प्रकृति प्रकृति क्रियमाणानि गुणी कर्माणि सर्वस्व, वो तो प्रकृति का हाथ में है, उस समय तो बड़ा साहब होने से कुछ काम नहीं चलेगा। उस समय बड़ा साहब प्रकृति है कि बेटा अब तुम कुत्ता बनो, कुत्ता का तुमको मनुष्य जीवन दिया गया था उसको तुम व्यवहार नहीं किया, कुत्ता का ऐसा काम किया है।